Welcome students, today we are going to discuss intransitive verbs. We have already talked about other verbs in our previous lectures, and we have already seen in the division of verbs that transitive verbs can also be divided into two parts. Before that, we should know that transitive verbs are those verbs that do not require objects. We have already learned that the verbs that require an object are called transitives. In those verbs, the action cannot be completely explained by the verb themselves, and so they require an object. In intransitive verbs, the verb itself is able to completely give the implication of the action described by it, and so there is no need of any object. So let's see. इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है. एक लाइन में इसको भी हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन एंड इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. व्हाट इज कंप्लीट प्रेडिकेशन एंड इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन? जनरली वी टॉक अबाउट दिस ओनली, दैट फ्लाई, बार्क, लाफ. These verbs don't require an object and we don't need to write anything after this verb to give its meaning, to complete its meaning. Means these verbs of intransitive verbs of complete predication do not require any object nor any complement. But in these verbs of incomplete predication, we require a complement. We don't require an object, but we need a complement. For example, be verb, become, sometimes grow. These verbs require a complement. Birds fly. We can take examples. Birds fly. Dogs bark. They are laughing. The sentence gives the meaning with subject and verb. हम लोगों को इसके आगे कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है. So these are verbs, intransitive verbs of complete predication. यहाँ पे ये अपने आप में verb ही predication को complete करता है, उसका complete meaning दे देता है, पूरा implication दे देता है. लेकिन बी, मान लीजिए बी का मीनिंग होता है इज एम, आर, वाज, वर. सो दिस इज, ही बिकेम, शी ग्रीव. क्या ये वर्ब्स कंप्लीट मीनिंग दे पा रहे हैं? नहीं. इसके आगे ऑब्जेक्ट भी नहीं लगेगा और इसके आगे कॉम्प्लीमेंट के बिना मीनिंग भी नहीं मिलेगा. तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है इसके बाद. दिस इज अ ट्री, ही बिकेम डॉक्टर, शी ग्रू ईगर, एंसर्स. एनी कॉम्प्लीमेंट यू कैन राइट हियर. तो ये सारे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में आपने देखा था कि ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा था, यहाँ पे सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोले जाते हैं. तो इसमें ऐसे वर्ब का जो मीनिंग है वो नॉर्मली इज इक्वल टू निकलता है. और इस वर्ब को ये चूंकि सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से सिर्फ लिंक कर देता है, तो इसको हम लोग लिंक वर्ब के नाम से भी जानते हैं.
इसका इतना ही मीनिंग है। उसके बाद ये वर्ब्स में और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। दीज आर वेरी लिमिटेड एंड इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस यू विल नो दैट दीज वर्ब्स आर लिंकिंग वर्ब्स बिकॉज टेंस द रूल ऑफ टेंस बिकम डिसफंक्शनल हियर। यहां पे रूल ऑफ टेंस मतलब टेंस का जो भी नियम कानून है वो इस पे लागू नहीं होता है। दिस हैज बीन दिस वाज यहाँ पे बहुत डिफरेंस यहाँ पे नहीं करता है। ये मीनिंग इसका ऑलमोस्ट फिक्स रहता है। लिंक करने का काम करता है, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर देता है कॉम्प्लीमेंट के द्वारा, बीच में दोनों को ये वर्ब से लिंक कर दिया जाता है। तो यहाँ पे टेंस का जो रूल है वो अपना पूरा फंक्शन नहीं दे पाता है। दूसरा चीज कि ये वर्ब्स नॉर्मली ऑक्सिलियरी होते हैं लेकिन यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि दूसरा वर्ब कोई मेन वर्ब है नहीं। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से जब वर्ब का यूज हो और उसका मीनिंग नॉर्मली इज इक्वल टू निकले तो ये लिंक वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन बोला जाता है। इस वर्ब में और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, इसमें बहुत लिमिटेड है, यही दो तीन चार जो वर्ब्स हैं कॉमनली यूज होते हैं लिंक वर्ब के रूप में। और वर्ब्स हो सकते हैं इसमें जैसे क्राई, जैसे वॉक, जैसे यॉन, जैसे स्नोर, जैसे ग्रोन। स्नोर मीन्स खर्राटे लेना, ग्रोन मीन्स कराना और यॉन मीन्स जम्हाई लेना। तो ये सारे वर्ब्स अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे देते हैं। ही यॉन्स, वी डू नॉट नीड एनीथिंग टू एक्सप्लेन द मीनिंग, एवरीथिंग इज क्लियर, द वर्ब इटसेल्फ इज able to just explain the implication of the action. He yawns was jamhai leta hai, uske baad aage object ki zarurat hi nahi hai. He snores, wah kharrate leta hai. He is groaning, wah kara raha hai. Yahan pe ek cheez aapko dhyan mein rakhna chahiye ki normally groan ek aisa verb hai jo ki normally continuous mein hi use hoga, क्योंकि आप समझ सकते हैं यहाँ पे टेंस में हम लोग फर्दर इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि कंटिन्यूअस जो होता है वो कंटिन्यूड एक्शन को, एक्शन ऑफ द मोमेंट को केवल एक्सप्रेस करता है, और जैसे ही हम सिंपल में यूज करते हैं किसी चीज को तो वो हैबिट बताने लगता है, टाइमलेस एक्शन बताने लगता है। तो ग्रोन करना किसी का हैबिट या रूटीन नहीं हो सकता, इसलिए कराहना आप कभी कराहते नहीं रह सकते, तो वो एक टाइम मोमेंट के लिए होता है, पर्टिकुलर मोमेंट के लिए होता है। तो इसलिए जनरली इस टाइप का वर्ब जो होगा वो कंटिन्यूअस में ही यूज होगा। तो ये इतना हम आपको एग्जांपल दिए। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वैसे भी ट्रांजिटिव्स की तुलना में बहुत कम है, लिमिटेड है। तो जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली हमारे दिमाग में आ रहा है 7-8 वो मैंने एग्जाम्पल में दिया। दिस मच फॉर दिस टॉपिक, हमको उम्मीद है कि इससे आपको परेशानी नहीं होगी, और वैसे भी इन ट्रांजिटिव वर्ब और इस डिवीजन से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनते, तो सिर्फ एक कंटिन्यूटी में था तो इसको एक्सप्लेन करना जरूरी था। आगे के चैप्टर्स में हम लोग ग्रामर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते रहेंगे। आप लोग स्टडी को एंजॉय करिए।